बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूँ शाहजहां, मैं आपको शाहजहां सिस्टर किचन कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर वेलकम कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं मजेदार टेस्टी थी चाइनीज वेज सैलेड की रेसिपी, जो बहुत मजे की और बहुत टेस्टी तैयार होती है, जो लोग डाइट पे उनके लिए बहुत फायदेमंद है। ये बच्चों बड़ों सभी के लिए बहुत फायदेमंद है। चलिए मैं आपको बताऊंगी कि चाइनीज वेज सैलेड बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। एक गिलास मैंने पानी लिया है, एक प्याली मैंने पास्ता लिया है, हाफ टी स्पून मैंने नमक लिया है, हाफ टी स्पून मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है, वन टी स्पून मैंने बारीक चीनी ली है पिसी हुई, एक प्याली मैंने दूध लिया है, हाफ प्याली मैंने मायोनीज ली है, चिकन लिया है मैंने बॉयल हुआ हुआ, रेशे बना लिए मैंने इसके हसबे जरूरत, टू टीस्पून मैंने चीज़ क्रीम ली है, एक प्याली मैंने फ्रेश क्रीम ली है, एक शिमला मिर्च लेके मैंने छोटे पीसेस में काट के इसे नमक डाल के बॉयल कर लिया है, लाल गाजर लेके मैंने बारीक पीसेस में काट के एक दफ़ा इसे बॉयल कर लिया है, चाइनीज गाजर भी लेके मैंने बारीक पीसेस में काट के बॉयल कर ली है, मटर मैंने हसबे जरूरत लेके इसे बॉयल कर लिया, आपने इसे ज़्यादा बॉयल नहीं करना, सिर्फ एक बॉयल देना है, एक टमाटर छोटे साइज का लेके मैंने इसके पीसेस में काट लिया, एक आलू लेके मैंने छोटे पीसेस में काट के इसे भी बॉयल कर लिया, एक बंद गोभी का फूल लेके मैंने इसे बारीक काट लिया, एक अदद खीरा लेके मैंने इसे बारीक पीसेस में काट लिया। चलिए मैं आपको बताऊंगी कि हम सैलेड किस तरह तैयार करेंगे। पानी शामिल करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाफ टी स्पून में नमक शामिल करूंगी, टी स्पून में ऑयल शामिल करूंगी इसमें, अब इसे बॉयल आने देंगे। पानी को बॉयल आ गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शामिल करेंगे। आप ये तमाम चीजें अपने टेस्ट मुताबिक ज्यादा या कम ले सकते हैं। ये बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी तैयार होती है। आप इसे पार्टीज वगैरह में, दावत वगैरह में भी बना सकते हैं। आप बच्चों को बनाकर दें, बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे आपको मेरी न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर किया कीजिए फैमिली फ्रेंड के साथ, रिलेटिव्स के साथ। 5 मिनट लगेंगे इसे बॉयल होने में। देखिए बॉयल हो गई है, मैं इसका गर्म पानी रिमूव करके इसे ठंडे पानी से वॉश करूंगी। मैं आपको दिखाती हूँ इसे वॉश करके। इसे मैंने वॉश कर लिया ठंडे पानी से, इसमें एक चम्मच ऑयल डालूंगी, अच्छे से मिक्स कर लूंगी, इससे ये आपस में जुड़ती नहीं है, इससे ये आपस में जुड़ेगी नहीं, अलग अलग रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चले सैलेड की क्रीम तैयार कर लेते हैं। चीज़ क्रीम शामिल की है मैंने, इसमें लहर मारी दूध शामिल करूंगी थोड़ा सा, 1 टीस्पून 2 टीस्पून मैंने दूध शामिल किया, इसे अच्छे से मेल्ट करूंगी मैं। ये देखिए अच्छे से लिफ्ट हो गई है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ्रेश क्रीम शामिल करूंगी, मिल्क पैक वालों की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेयोनीज शामिल करूंगी, इसे मिक्स करेंगे, दूध शामिल करूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सारा दूध शामिल कर दिया हमने जो एक प्याली लिया था। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया ये, अब इसमें हमें
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नमक शामिल करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काली मिर्च शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चीनी शामिल करेंगे पिसी। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए सैलड की क्रीम तैयार हो गई है, अब हम सैलड तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ी सी पहले क्रीम शामिल करेंगे बोल में। फिला देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैक्रोनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बंद गोभी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आलू शामिल करेंगे बॉयल हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मटर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टमाटर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चाइनीज़ गाजर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गाजर शामिल करेंगे रेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शिमला मिर्च शामिल करेंगे बॉयल हुई भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चिकन शामिल करेंगे बॉयल हुआ। मैक्रोनी शामिल करेंगे जो रह गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, करीम डालेंगे। मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे फिर और करीम डालेंगे जो बाकी रह गई थी हमारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी तैयार हुई है। ये बहुत अच्छी बनती है, ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। मिक्स कर लेंगे। वैसे सैलड तैयार हो गई है, मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। चाइनीज वेज सैलड तैयार है। अगर आपको ये सैलड की रेसिपी पसंद आई है तो इसे अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरी सैलड की रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे आपको मेरी न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अब इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।